3 से 4 महीने पहले शुरू, इसमें दो बच्चे रॉकी और सोनू हैं। रॉकी 9th क्लास में पढ़ता है जो कि 14 साल का है। सोनू 6th क्लास में पढ़ता है जो कि 11 साल का है। माय लॉर्ड, दोनों की एज पर ध्यान दिया जाए, दोनों ही बच्चे नाबालिग हैं। सोनू के कुछ क्लासमेट से पता चला कि रॉकी उसे पहले परेशान किया करता था, जिस वजह से सोनू जब भी रॉकी को देखता तो वह डर जाता। 3 तारीख को प्रैक्टिस करते करते सोनू काउंट प्रैक्टिस करता कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते उसकी बॉल गलती से जाकर रॉकी को लग गई, जिस वजह से रॉकी बहुत गुस्से में आ गया और उसने उसकी पैड उतार दी। सभी बच्चे सोनू का मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे और सोनू बहुत डर गया था, जिस वजह से स्कूल आने से मना कर रहा था। उसके माता पिता ने उसकी शिकायत उसकी क्लास इंचार्ज को दी, तो उसकी क्लास इंचार्ज को पता चला कि 9th क्लास के बच्चे रॉकी ने उसके सागर में बात किया है। Hello, this was my client James. Hello, this is a punishable offense under the Act of 323, 342 and 109 of the Indian Penal Code, IPC, and also the section of 11 and 12 of the POXO Act. Madam, ये तो एक मामूली सी बात है। स्कूल में अक्सर बच्चे ऐसी छेड़छाड़ तो करते रहते हैं। इस मुद्दे को POXO Act के अंदर लाने की क्या जरूरत है? Madam, इस मुद्दे को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास बहुत से विटनेस हैं। उनमें से एक विटनेस उनके स्पोर्ट्स टीचर हैं जो उस वक्त इस घटना के टाइम पर प्रेजेंट थे। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मैं उसके साथ 24 घंटे तो नहीं रहता, लेकिन अक्सर उसके साथ ही रहता हूँ।
तो आपका कहने का मतलब है कि रॉकी ने उस दिन सोन को धक्का नहीं दिया था? नहीं, उसने तो उसे कोई धक्का नहीं दिया। हम तो बस फुटबॉल खेल रहे थे, मेरे सोन की बॉल आके रॉकी को लगी और रॉकी गुस्सा आ गया, मेरे उसके पैंट पैंट पॉइंट बना दे माय लॉर्ड। उन्होंने पैंट की बात करी गई है। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ओवररूल्ड। आपको झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। आपके पेरेंट्स, फैमिली फ्रेंड्स सभी आपके बारे में क्या सोचेंगे? सजा होगी? नहीं, मैं सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोला। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, प्लीज सजा मत देना। आप जा सकते हैं। हेलो, इससे साबित होता है कि मेरे काबिल दोस्त के मित्र से जो भी अब तक हुआ वो सब झूठ था और उस दिन मेरी लाइफ में टाल गई थी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आई ऑर्डर टू कैप दिस बॉयज एट जुबिलेंट होम फॉर 6 मंथ्स अंडर पॉक्सो एक्ट इन सेक्शन 2 Section 3 and Section 323. The court is adjourned. जहाँ शक वो स्कूल में प्रेजेंट था और मेरे को
के कैंपस के लिए जिन्हें हमने फॉरेंसिक लाइब्रेरी के पास भेजा, वहाँ से एक घंटे बाद हमारा रिपोर्ट सुनने के साथ पता चल गया कि जो लड़के कैंपस का डीएनए है वो बच्चे के डीएनए से मैच हो रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट तो होता है। थैंक यू, यू मे गो। Your Honor, medical report से ये बात साफ साबित होती है कि suspect के DNA traces victim की body पे पाए गए हैं। Your Honor, अब मैं victim की माँ को यहाँ बुलाकर उनकी statement लेना चाहूँगी। Proceed. मैं शपथ लेती हूँ जो कहूँगी सर, कहूँगी सर के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। Mrs. Komal, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके बेटे ने आपको वारदात के बारे में क्या बताया? जैसे कि अगर कोई टीचर है तो उसने मतलब
कई बार ऐसे स्कूल में होते हैं कि टीचर्स बच्चों के साथ बैट खेलने करते हैं, और मतलब गर्ल्स को और अभी तो बॉयज को भी बैट टेस्ट करते हैं।